सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को पक्का मकान बन सके। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के सलाहपुर ग्राम पंचायत में बिमला सहित 5 लोगों को इंदिरा आवास न होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका का समस्या होता है? अरे बहुत समस्या है, इससे है छप्पर के घर आज बारिश में चुंगा था, खुला घर है, कुत्ता बिल्ली हरदम घुस जाते हैं। जो है दो बार तो चोरी हो चुकी है, एक आदमी 24 घंटा रह चाहे घरे। समस्या यही है कि मकान नहीं है, आवास नहीं है, बारिश में जो है छप्पर भीग जाता है तो पानी नीचे चूता है, बिस्तर भीग जाता है, बच्चों की किताब कापी जो है वो भीग जाते हैं जो है, और खाने पीने की सामग्री भीग जाती है, बड़ी दिक्कत होती है। कई बार प्रयास किए जो है यहाँ के प्रधान से जो है बातचीत की, और उन्होंने जो है हाँ हूँ करके जो है टाल दिया। सिक्रेटरी से बात की थी, उसने भी आश्वासन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। 3 पंचवर्षीय बीत गई लेकिन अभी तक जो है आवास नहीं मिला। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के सलाहपुर गांव निवासी बिमला सहित 5 परिवारों को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, जिस पर मैंने अपने समुदाय पर एक वीडियो बनाया था 2 साल पहले। इस वीडियो के माध्यम से लोगों को संगठित व जागरूक कर इस समस्या पर बदलाव ला पाए कि जो है हम लोगों के पास आवास नहीं था। तकरीबन 5 लोग हम लोग इस गांव में थे जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं थी। आप आई जो है तो हम लोगों से बातचीत की और हम लोगों का वो वीडियो बनाया जो है, फिर जो है उसको आप लोगों ने बताया कि प्रधान जी से मिलिए, तो हम लोग जो है प्रधान जी से भी मिले, तो प्रधान जी हमारे गांव की वनवासी हैं जो है, कामनी देवी नाम है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भैया आपको जो है आवास मिलेगा। सब कॉलोनी आई? हाँ आ गए भाई सबके। जे जे आप लोग खुश हैं? हाँ दीदी अब रह सुविधा हो गई, जाना खुश है। मैं चाहती हूँ कि कैमरे के माध्यम से लोगों को संगठित व जागरूक कर इनकी समस्या पर बदलाव लाती रहूँ। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया नहट के लिए।